दलितों के नाम में और छुआछूत के नाम में ये लोग कर रहा है, ना कि कोई जनता कर रहा है। क्योंकि देखिए हिंदू जो होते हैं उनके लिए कोई मंदिर में जाना माना नहीं है, कोई मंदिर में पूजा करना माना नहीं है, क्योंकि हिंदूवादी सब एक है, सारे हिंदू एक होकर मुहिम लड़ना है, ना कि छुआछूत करना है। इसलिए हमारा मंच का कहना यह है जो ये राजनीति करा रहा है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। और डॉक्टर मित्रा लाल जो परियार है उन्होंने कर रहे हैं दलित नेता के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो वो ये सीधा साधा जनता को भड़का रहे हैं, भड़का के उनको ये छुआछूत का मुद्दा बना के अपना राजनीति करके अपना रोटी सेकने के चक्कर में है। इसीलिए ये छुआछूती का बात आ रहा है, कोई छुआछूती का एक दलित अगर मंदिर में चला जाता है तो उसको फिर गंगा जल से पवित्र किया जाता है, इसके पीछे क्या राजनीति है? ये तो ऐसा है नहीं ना, हमने देखा है ना, हम लोग हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापन मंच की तरफ से आज हम संघर्ष करके आ रहे हैं 15 साल से, आज हम ये 2009 से स्थापित करके अभी तक चल रहा है, मुहिम चला रहे हैं। ऐसा हमने मेरा जितना भी हम लोग आते हैं मंदिर में साथ में जाते हैं, साथ में दलित के साथ रहते हैं, दलित के साथ बैठते हैं, दलित के साथ खाते हैं। और ये कोई इसका हम लोग दलित का मुद्दा उठाते नहीं, खाली हिंदू मुद्दा उठाते हैं, हिंदूवादी होनी चाहिए, दलित का मुद्दा उन्हें हमारा मतलब नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो छुआछूत के नाम पे दलितों को प्रताड़ित करते हैं? ये डॉक्टर मित्रालाल परियार है नेपाल में, वो अपना राजनीति करने का चक्कर में, और एक हत्यारा है, ये जो आतंकवाद घोषित है आज विश्व से, वो मिस्टर डॉक्टर बाबूराम भट्टराय है, वो भी ये कर रहा है। क्योंकि और ये प्रचंड नेपाल में ये करना हुआ तो सीधा साधा जनता, जो अनपढ़ जनता और गांव का रहने वाला जनता को बुर्बक बनाने के लिए डॉक्टर बाबूराम भट्टराय, ये प्रचंड ये दाहल, और उसके बाद अभी निकला है ये डॉक्टर खडर परियार, ये सब मिलके अपने राजनीति करने के लिए जनता को बेवकूफ बना के ये डिवाइड करना इनका कर्तव्य है और मेन भूमिका रहा है। तो इसलिए हिंदूवादी का कोई भूमिका नहीं है न रहेगा। ये सारे चीज मिलकर के राजनीति में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ यही है। दूसरा मैं पूछूंगा, प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राजनीति में आने के लिए क्यों उतर रहा? ऐसा है, ये देश का क्या है, ये देश का जनता के लिए दुर्भाग्य है। जब एक स्वतंत्र प्रभाव बोड़ी है, जब स्वतंत्र प्रभाव एक आयोग है गठन किया गया है 1961 में, जो ऑटोनॉमस बोड़ी बना था लीगल फॉर्म में, तो 1961 में बनाया था, उसका हिसाब से ये संगठन ये आयोग स्वतंत्र प्रभाव से काम करने का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये जो वन मैन शो हो गया, एक सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रमुख न्यायाधीश शेरबहादुर देउवा के साथ मिलकर, और उसका बाद में दूसरा दूसरा पार्टी का नेता लाकर उसमें उसे ये देना, मतलब मुख्य भूमिका इसका एमसीसी पास कराना था, देउवा को लेना, एमसीसी पास कराना, खुद मंत्री में रहना, एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश बनने का बाद में मंत्री बनना हुआ अपने आप को डिमोशन करना। अगर मैं आज देखिए मैं एक ओएसडीटू चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं और अभी कैबिनेट मंत्री स्टेट का राज्य का मुझे बोलता है तुम आओ मेरा काम करो, मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वो बिलो होता है, डिमोशन होता है। लेकिन वो अपने आप को एक सर्वोच्च न्यायालय का एक जो प्रमुख रह चुका है, अब वो मंत्री में जाके जनता का गाली खा के उसमें रहना, वो दुर्भाग्य है। उसका नैतिकता ना नीति है, ना नैतिकता है, ना उसने ये सर्वोच्च न्यायालय का कदर किया है, उसने बेइज्जत धज्जी उड़ा दिया है। इसीलिए वो अभी कोटा मांग रहा है और मंत्री में शामिल हो रहा है और गलत निर्णय दिया गया है। क्या ये भी सही है कि प्रमुख न्यायाधीश के द्वारा ही वो प्रधानमंत्री देउवा को बनाया गया है? हाँ, ये प्रमुख न्यायाधीश ने ही खुद मंत्री बनने के लिए और एमसीसी पास करवाने के लिए इनडायरेक्ट अमेरिका से प्रचलित होकर, सीआईए से प्रचलित होकर इसने नेपाल में देउवा को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इनके पीछे जो है मुख्य न्यायाधीश के पीछे कोई और पॉलिटिशियन लीडर है? इस मुख्य न्यायाधीश के पीछे में जो है ये एमसीसी पास कराने के लिए इसको संपर्क में है अमेरिका, इसलिए अमेरिका का बात सुनते हुए इसे देउवा को प्रधानमंत्री बनाया और खुद मंत्री में शामिल होने के लिए, और राजदूत का कोटा भी ये मांग रहा है, जो कि देश के लिए स्वीकार नहीं है और उसका जीवन दुर्भाग्य है। ये कानून न्याय मिलने का अभी जनता को उम्मीद नहीं है नेपाल में, जिस तरीका से सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश ने हरकतें किया है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, अभी आप एमसीसी का नाम लिए,
नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के द्वारा वहाँ पे मैनिफेस्टो क्या लॉन्च कर रहा है? हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन का मैनिफेस्टो है जनता का हित में है, ना कि अपना हित में। अपना हित में कोई नहीं, कुछ नहीं है, जनता का हित में है। जो दिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, वंशा जीरो हो जाएगा, और जिसने 20 लाख तक कमाई करता है उसको टैक्स जीरो कर दिया जाएगा। और जो दिन हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होता है उसका एक हफ्ता में 10 लाख युवा भर्ती किया जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता इसलिए समय लगेगा, उसको जांच करना, छानबीन करना, इंटरव्यू अंतर्वाद लेना, इंटरव्यू लेना, ये सब के लिए प्रक्रिया, ऑफिशियल प्रक्रिया करने के लिए एक हफ्ता आएगा, 10 लाख दिया है। और जो 5 लाख आर्मी अभी भी देश में जरूरत है, क्योंकि आर्मी का संख्या बल, संख्या का बल इसमें बहुत कम है बल की संख्या, इसीलिए और 5 लाख आर्मी नेपाल में भर्ती करना अति आवश्यक है, उसका भी प्रक्रिया किया जाएगा। 15 दिन के अंदर में ये सारा प्रक्रिया खत्म, और उसका विकास का मुद्दा लिया जाएगा, और देश में फर्स्ट ट्रैक डेवलपमेंट किया जाएगा, और देश में जितना भी ये पड़ोसी देश में जितना भी हमारा सीमेरा विवाद है उसको सुलझाया जाएगा, और देश विदेश में किस तरीके से डिप्लोमेटिक डायलॉग करना चाहिए उसका किया जाएगा, ना कि विदेश का इशारा में देश चलेगा। अभी क्या हो रहा है, विदेश के इशारे में देश चल रहा है, इसीलिए देश बर्बाद है, इसलिए युवा बर्बाद है, इसलिए विकास बर्बाद है, इसलिए भंसा 250%, जो कि देश में नहीं, विश्व में नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैनिफेस्टो द्वारा जो है एमसीसी पे आप किसको किसको लेटर लिख चुके हैं वो आप बताइए। मैंने देखिए, जो एमसीसी है अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उसको हम लेटर लिखे हैं। ये लेटर का कॉपी देख लीजिए, ये देखिए, मैंने लेटर का कॉपी लिखा और काउंटर रिप्लाई दिया, उसने क्या प्रपोज किया, मैंने क्या रिप्लाई दे दिया, ये एक उसको लिखा। उसके बाद में हमने शेख हसीना को भी लिखा, बैक से शेख हसीना को भी लिखा, हाँ ये शेख हसीना बांग्लादेश पीएम को। उसके बाद में हमने समर्थन मांगा, रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट टू इंटायर जनरल पब्लिक ऑफ नेपाल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नेपाल रिगार्डिंग मिलेनियम चैलेंजेस, ये हमने देखे, ये कास्ट नहीं बुलाए, ये हमने लिखा है सिंगापुर को, सिंगापुर प्रेसिडेंट को, ठीक। उसके बाद में मैंने लिखा है आपका जापान प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि हमें समर्थन दे ताकि एमसीसी लागू होने ना दे, अमेरिका अपने आप को सुपर समझता है, उससे नहीं चलेगा। तो ये सारे लेटर आपको, और उसके बाद में मैंने फिर लिखा है आपका थाईलैंड में बाईपोस्ट भेजे, ये ट्विटर से सब चला गया है, आजकल बाईपोस्ट की जरूरत नहीं, ट्विटर में सब कुछ है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसमें हम स्पीड पोस्ट आजकल इतना ये नहीं है, ट्विटर, ईमेल, फेसबुक सब। उसके बाद में ये आपका है रशिया को, रशिया को लिखे हमने, ये रशिया का लेटर है, और ये है आपका ये चाइना को, सिंधी भी वो लिखा है, चाइना को भी मदद मांगा होगी एमसीसी पास होने ना थे, और ये मैंने लिखा है आपका साउथ कोरिया को, और ये मैंने लिखा है आपका पाकिस्तान को, इमरान खान से भी हमें समर्थन चाहिए, नेपाल में एमसीसी ना लाए, ये हमने लिखा है आपका ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ये हमने लिखा है आपका जर्मनी को। ये सारे लेटर कब लिखे हैं? ये लेटर लिखा है हमने आपका 17 तारीख को लिखा है, और उसके बाद में हमने अमेरिका को लिखा है, अमेरिका को लिखा है 12 अगस्त को, 12 अगस्त से लेके अभी तक हम लेटर ही लिखते रहो, अभी हम सबसे समर्थन मांग रहा हूं कि नेपाल का नेता का बात दिमाग नहीं है, विदेशी चलाता है, पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज भाषा किस तरीके से बदल दिया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, इनको पता नहीं है, जहां बोलो वहीं साइन करता है, और देश को बर्बाद कर रहा है, युवा को बर्बाद कर रहा है, और देश का विकास को खत्म कर रहा है, महिला का सुरक्षा नहीं है, सबसे बड़ा तो ये है अभी मुद्दा। आप अपने बैनर तले इतने सभी कंट्रियों में लेटर भेज चुके हैं, इस समय आप ये बताएं कि नेपाल में लोकतंत्र है या राजतंत्र है? नेपाल तंत्र नहीं, कोई तंत्र ही नहीं है नेपाल में, नेपाल में अभी लूट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, और दुनिया का जनता मारो तंत्र है, तीन तंत्र चल रहा है नेपाल में, एक लूट तंत्र, एक भ्रष्ट तंत्र, एक जनता मारो तंत्र, इसका अलावा कोई तंत्र नहीं है वहां में, लोकतंत्र में तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता, विदेशी देश आगे चला के देश को बिक्री नहीं हो सकता, समझौता में देश बिक्री नहीं हो सकता, क्योंकि तंत्र का नाम ही नहीं है, लूट तंत्र और उसके बाद में भ्रष्ट तंत्र और मार तंत्र, हत्या तंत्र, जनता का हत्या तंत्र, तीन तंत्र नेपाल में चल रहा है आज के दिन में। इस समय आप वहां पे नेपाल में क्या करेंगे?
अगर एमसीसी विरोध सभी सड़क पे उतर चुके हैं, आप अपने बैनर तले क्या करेंगे? ऐसा है, अभी इनको हम पहले से बुलाए, बारंबार बुलाए, पास तो करके दिखाए, जो बागदाद में सदाम हुसैन का हाल हो गया था, इनका कोई हाल होगा एक नंबर। दो नंबर, ये आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में नेता को भागना पड़ा देश छोड़ के, ये हाल इनका होगा।